Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेडिसिन का सेकंड सेमेस्टर है, उसकी एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है लेसमानियोसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसमानियोसिस जो डिजीज़ है, यह है मुख्य रूप से कुत्तों में होने वाला रोग है, लेकिन कुत्तों से यह रोग हम मनुष्यों में भी फैलता है या होता है। ये जो रोग है, इसको कई अन्य उपनामों से जाना जाता है। एक तो इसे बोलते हैं कालाजार एवं डमडम बुखार, ये इस रोग के दो अन्य उपनाम हो गए। तो इस रोग में होता क्या है, एक तो इस रोग की है ना जो दो फॉर्म होती हैं, यानी कि दो स्टेज होती है, एक तो होती है विसरल और एक होती है क्यूटेनियस। तो विसरल फॉर्म में तो क्या होता है कि इसमें बॉडी एवं स्किन दोनों के ऊपर असर होता है, लेकिन क्यूटेनियस फॉर्म होता है उसमें सिर्फ ओनली स्किन पर फर्क पड़ता है। स्किन पर छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, लाल लाल चकते हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो स्पोर है उनको ओरिएंटल स्पोर या डेली बॉयल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका जो रोग कारक है लेसमानियोसिस का रोग कारक दो होते हैं, एक तो होता है लेसमानियो डोनोवेनाई एंड सेकंड है लेसमानियोसिस ट्रोपिका। ये जो दोनों इसके जो रोग कारक हैं, यानी कि इसके जो पैरासाइट्स हैं, इसमें से जो लेसमानियोसिस ट्रोपिका होता है उससे तो क्यूटेनियस यानी कि त्वचा के ऊपर जो रोग होता है, और जो विसरल फॉर्म है उसमें लेसमानियो डोवेनाई जो पैरासाइट होता है उससे ये रोग फैलता है। यह जो रोग कारक में इसमें रोग फैलता किस कारण से है, इसका ये जो रोग है वो सैंड फ्लाई यानी कि रेत की जो मक्खी जिसे हम बोलते हैं उसके कारण यह है फैलता है। ठीक है, तो हम लेसमानियोसिस यानी कि काला जार डमडम बुखार के उपनाम लिखते हैं। तो इसके अन्य सिग्नेम है ये क्या हो गए, लेसमानियोसिस के अन्य उपनाम हो गए। दूसरा क्या है, यह जो डिजीज़ है एक तो क्या है प्रोटोजोअल, प्रोटोजोअल डिजीज़ है। दूसरा क्या है, ये जूनोटिक है जो पशुओं से पशुओं से ह्यूमंस में फैलती है, और मुख्य रूप से यह है रोग किसका है, डॉग्स का है, लेकिन यह रोग है जो डॉग से ही ह्यूमंस में फैलता है। इनमें डॉग के द्वारा ही ह्यूमंस में इस रोग का लेसमानियोसिस का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इसकी जो मीटियोलॉजी देखें, इसके जो रोग कारक हैं वो दो हैं, एक तो है लेसमानियोसिस ट्रोपिका और एक है लेसमानियोसिस डोनोवेनाई, ये क्या इसके रोग कारक है। ठीक है, दूसरा ये जो रोग होता किससे है, यह है सैंड फ्लाई के काटने से यह रोग फैलता है। ठीक है, अब ये जो रोग है इसकी दो फॉर्म होती हैं, इस रोग को दो फॉर्म में पढ़ते हैं। इसकी जो फॉर्म है वो दो है, एक तो है विसरल फॉर्म एंड जो सेकंड है वो है इसकी क्यूटेनियस फॉर्म। ये क्या हो गए, इसकी दो फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसके जो सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट। तो लेसमानियोसिस का यहाँ तक टॉपिक हो गया है, आगे हम पढ़ेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम आगे इनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे लेसमानियोसिस के। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैंने बताए थे कि दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है क्यूटेनियस फॉर्म। इसमें तो क्या होता है, ये जो इस फॉर्म में जो होता है इसमें लेसमानियोसिस
ट्रोपिका नामक पैरासाइट से होता है ये तो, ठीक है ये तो। और इसमें क्या होता है कि त्वचा होती है उसमें छोटे छोटे चकते बन जाते हैं लाल कलर के, और जो जो चकते बनते हैं उनको हम ओरिएंटल सोर या दैली बॉयल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अभी जो इसका जो विसरल फॉर्म है वो होता है लेस मान्यूसिस डोनोविनाई पैरासाइट से। ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है, इससे जो जो स्किन होती है उस पे भी और बॉडी पे भी दोनों पर प्रभाव डालता है। इस कारण इस को काला जार एवं डमडम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, पशु का वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसमें एनीमिया हो जाएगा पशु को, लिम्फेटिक ग्लैंड में लिम्फेटिक जो ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है। जिससे पशु क्या करता है, लड़खड़ाकर चलता है, लड़खड़ाकर चलता है। इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हम आगे पढ़े तो, नेक्स्ट हम इनके सिम्टम्स देख रहे थे। तो इसमें एक तो होता क्या है, नेक्स्ट पशु को भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। और हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे थे, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ से लेकर कई वर्षों तक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये रोग 3 मंथ से लेकर कई वर्षों तक चलता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो यूरिन होता है, यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, और ब्लड आता है और साथ साथ क्या होता है, ब्लड आने के कारण ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूटने लगती हैं, ब्लड सेल्स टूटने लगती हैं। यूरिन में ब्लड आता था ब्लड सेल्स टूटने लगती हैं। अब हम लेस मान्यूसिस का डायग्नोसिस देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो वही पशु की पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, साथ ही साथ सिम्टम्स देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जो बोन मैरो होता है एंड लिम्फ नोड होता है में पैरासाइट का प्रेजेंस का टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलेगा कि पशु के लेस मान्यूसिस है या नहीं है। तो ये हमारा डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया, आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब लेस मान्यूसिस का ट्रीटमेंट देखते हैं, लेस मान्यूसिस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। एक तो हम इसमें एंटीमनी पेंटावेलेंट जो इंजेक्शन होता है वो दे सकते हैं, एंटीमनी पेंटावेलेंट इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरा सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, दे सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन एलर्जी या तो आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, और लिथियम एंटीमनी भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आज हमारा ये जो लेस मान्यूसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें एंटीमनी पेंटावेलेट का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट भी दे सकते हैं, आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, और लिथियम एंटीमनी का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसको इस ट्रीटमेंट से पशु का उपचार संभव है, लेकिन जब ये मनुष्य में जाता है तो बहुत परेशानी आती है। ज़्यादातर ये जो पशु का और जो मनुष्यों का होता है वो यानी कि मुँह का जो एरिया होता है, माउथ कैविटी के आसपास का एरिया, ये ज़्यादा हार्म करता है। इसी के साथ हमारा आज लेस मान्यूसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच।